प्राचीन समय में एक राजा थे। वो अपने न्याय के लिए और अच्छे फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। वो बहुत दयालु भी थे, पर वो दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें यह चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इतने बड़े किंगडम का सक्सेसर कौन होगा। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी। वो एक ऐसे नवयुवक की तलाश में थे जो उनकी मृत्यु के बाद उस राज्य का राजा बन सके और उनका उत्तराधिकारी बन सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि एक नोटिस निकाली जाए और एक ऐसे नवयुवक की तलाश की जाए जो उनके बाद राजा बनने के योग्य हो। पर राजा ने सबसे प्रमुख शर्त यह रखी कि वह नवयुवक जो राजा बनेगा उसे दयालु होना चाहिए और उसे अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के फीलिंग्स को अच्छी तरह समझना चाहिए। एक गरीब लड़का जो कि सुदूर किसी दूर गांव में रहता था, उसको भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंची कि राजा किसी ऐसे नवयुवक की तलाश में है जो उसका उत्तराधिकारी बन सके, तो उसने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार होने लगा। वह एक दयालु और हार्ड वर्किंग मेहनतकश लड़का था, लेकिन वेरियस सर्कमस्टेंसेस के कारण वो गरीब था। अब वह इंटरव्यू की प्रिपरेशन बड़े जी जान से करने लगा। उसने सोचा कुछ कपड़े खरीद लिए जाएं सो दैट प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में जाने के लिए काफ़ी अच्छा हो, और उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पैसे बचाने लगा कपड़े खरीदने के लिए, अच्छे कपड़े पहन के और राजा को इम्प्रेस कर सके। तो बस इंटरव्यू वाले दिन वह तैयार होकर राजमहल की तरफ चल निकला। जब वह शहर पहुंचने के बाद राजमहल की तरफ बढ़ रहा था तो उसे रास्ते में एक भिखारी दिखा जो कि फुटपाथ पर बैठा भीख मांग रहा था। उस भिखारी ने अपने दोनों बाहें फैलाकर उस नवयुवक से मदद की गुहार की। उस भिखारी ने कहा, मैं भूखा हूँ और मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसने कांपते हुए कहा, मुझे जोरों की ठंड भी लग रही है, मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दे दो। अब लड़का तो दयालु था ही, उसके पास जो भी खाना था उसने उस भिखारी को ऑफर कर दिया और जो उसने नए कपड़े सिलवाए थे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए वो भी उसने उस भिखारी को दे दिए। तो जब उसने अपने नए कपड़े उस भिखारी को दे दिए तो वापस से वही पुराने कपड़े उसने पहन लिया। पर अब उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा था कि कैसे वो राजा के सामने जाएगा और इंटरव्यू देगा। पर वो इन सब विचारों को त्याग कर आगे बढ़ता गया और फाइनली वो राजमहल के सामने पहुँच ही गया। वहाँ पहुँचने पर चौकीदार ने उसको उस हॉल का रास्ता दिखाया जहाँ इंटरव्यू हो रहा था। उस नवयुवक को अपने पुराने कपड़ों में थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन क्या करे, उसके पास तो वही पुराने कपड़े ही थे। कुछ समय बाद उसके इंटरव्यू का नंबर आ गया और अब वह राजा के सामने खड़ा था। जब उसने राजा को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। वही भिखारी राजा के गद्दी पर बैठा हुआ था जो उसे रास्ते में मिला था। उस लड़के ने राजा की तरफ देखकर कहा कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही मिल चुके हैं। तो उस गद्दी पर बैठे हुए भिखारी ने जवाब दिया, हाँ हम लोग अभी कुछ देर पहले ही मिले हैं और मैं ही राजा हूँ, और वहाँ बेगर के वेश में इसलिए बैठा था ताकि कैंडिडेट्स को टेस्ट कर सकूँ, उनके दयालुता की परीक्षा ले सकूँ। तुम एक दयालु आदमी हो और मुझे तुम्हारे जैसे नवयुवक की ही तलाश थी जो अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स को फीलिंग्स को समझ सके। मैं तुम्हें आज से इस प्रदेश का राजा नियुक्त करता हूँ। दयालुता विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जिस समय यह बात समझ में आ गई उसी समय से हमारा विवेक शुरू होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।